बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, उम्मीदा कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं 29वें दिन के हवाले से आपको उर्दू का लेक्चर दे रही हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है स्लीस। स्लीस का मतलब क्या होता है, यानी कि जो हमने ये वाले वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं, ये मुश्किल फाज जो हैं इनको आसान लफ्ज़ों में करके हमने ये जो लाइन है इसको अपने अल्फाज में यानी कि आसान लफ्ज़ों में करके हमने इसको लिख देना है। तो सबसे पहले मैं आपको इन ये जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं इनके मायने बताऊँगी। सबसे पहले क्या है, सोमुल्क ने चंद ही दिनों में तुली फर को इस काबिल बना दिया। काबिल, काबिल का मायने क्या होता है, इस लायक या इस अहल कर दिया कि वो एक दिन में बदखशां, बदखशां जो है जगह का नाम है, से हिंदुस्तान जाकर वापस आ सके। तुली फर का इलाज और तरबियत मुकम्मल हो गई। तरबियत यानी कि उसको जो सिखाना होता है, सुधाना होता है जानवर को, ठीक है, जिस किस्म की तलीम देनी थी वो मुकम्मल हो गई। तो मंगूल सरदार जो था तुली फर की कारकर्दगी देखने आया। अब कारकर्दगी किसको कहते हैं, काम की खूबी अच्छाई या हुनर देखने आया। उसने तुली फर को इतना सेहतमंद और ताकतवर यानी कि मजबूत देखा, ताकतवर यानी कि मजबूत देखा तो बहुत खुश हुआ और बोला, बहुत खूब, तुम्हें यकीनन, यकीनन का मतलब क्या होता है, बेशक, बिलाशुबा, ठीक है, तुली फर की पहचान है, पहचान यानी शनाख्त है, ठीक है। ये इसके मुश्किल अल्फाज जो थे उनके माइंड भी मैंने आपको बता दिया और रीडिंग भी करके बता दी। अब स्लीस कैसे करनी है, थोड़ी सी स्लीस मैं आज आपको बताऊंगी, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। तो इस लाइन की यहाँ तक हम आज स्लीस करते हैं। सो मुल्क ने चंद दिन में एक कमज़ोर घोड़े की दिन रात देखभाल करके उसको इस काबिल बना दिया, यानी कि इस काबिल बना दिया कि वो एक दिन में बदखशां हिंदुस्तान जाकर वापस आ सकता था, ठीक है। यहाँ तक सिक्स क्लास, ये आपने इसलिए करनी है। इंशाल्लाह ताला हम बाकी कल करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।